हेलो गाइस, कैसे हो। मेरा नाम है चेतन, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, आज कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको भी जो फ्री फायर मैक्स में गूगल अकाउंट से लॉग इन करने में प्रॉब्लम आ रही है, गूगल अकाउंट से लॉग इन नहीं हो रहा है। तो आज कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व कर सकते। बहुत सारे बंदे के मोबाइल में यहाँ पर गूगल अकाउंट से लॉग इन है, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो आज कुछ मैं आपको कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ, वो सेटिंग आप अपने मोबाइल में करेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम हो यहाँ पर 100% सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मेरा भी यहाँ पर गूगल अकाउंट से करने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन गाइस मैंने अपने मोबाइल में प्रॉब्लम हो यहाँ पर 100% सॉल्व कर लिया। यहाँ पर मेरा लॉगिन है वो यहाँ पर हो जाता है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है। मैंने कैसे किया, मैंने क्या सेटिंग की, वो आपको बताने वाला हूँ ताकि आपका भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर 100% सॉल्व हो जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको सेटिंग है वो यहाँ पर करनी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम हो यहाँ पर सॉल्व करना है। तो गाइस, आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको बैक आना है। ओके, बैक आ जाने के बाद आपको कुछ सेटिंग करनी है। पहली सेटिंग वर्क नहीं करती है तो दूसरी कीजिए, दूसरी वर्क नहीं करती है तो तीसरी कीजिए। ओके, आपको सभी सेटिंग आपको अप्लाई करके देखनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको जो है सेटिंग है वो यहाँ पर अपने मोबाइल में ओपन है, वो यहाँ पर कर लेना है। तो चलो गाइस, यहाँ पर मेरी सेटिंग है वो यहाँ पर ओपन है, वो यहाँ पर कर लेता हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जो कि आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप इस तरीके से सर्च भी करेंगे ना तो आसानी होगी। तो चलो गाइस, यहाँ पर हम सर्च करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च करना है DNS। ओके, DNS सर्च करेंगे ना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्राइवेट DNS का ऑप्शन। सेटिंग में आपको सर्च करना DNS, प्राइवेट DNS का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट DNS को आपको ऑटो पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे मोबाइल में पहले से ही ऑटो के ऊपर सेलेक्ट है। इतना करने के बाद अब आपको दूसरी सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सी सेटिंग है वो आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। ओके, आपको आगे भी सेटिंग बताता हूँ, देखते रहिए। सभी सेटिंग अप्लाई करेंगे ना तो आपका 100% लॉग इन हो जाएगा। यहाँ पर आपको गूगल सर्च करना है प्ले स्टोर में आके। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको गूगल सर्च करना है। एंड गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल को अपडेट कर लेना है। गाइस, हमारा गूगल से अकाउंट बना हुआ है इसलिए यहाँ पर आपको गूगल को अपडेट है वो यहाँ पर करके रखना है। ओके, मेरे मोबाइल में यहाँ पर पहले से ही अपडेट है। अब बात करते हैं कि आगे कौन सी सेटिंग करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल के ऊपर आपको लॉन्ग टाइम आपको दबा के रखना है इस तरीके से। ओके, लॉन्ग टाइम दबा के रखते हैं ना तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन लगा आई वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे गाइस। तो चलो गाइस, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। ऐप इन्फो पर आ जाओगे। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना, स्टोरेज रिसोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्लियर कैश करना है ओनली। इसके बाद आपको आपको बैक आना है। ओके, अब यही सेम चीज़ आपको फ्री फायर के ऊपर आपको क्लिक करनी है, जो भी जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स, लॉन्ग टाइम आपको दबा के रखना है। इसके बाद ऐप इन्फो वाला ऑप्शन मिलेगा आई वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, इसके बाद स्टोरेज रिसोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लियर कैश है वो यहाँ पर कर लेंगे। सभी सेटिंग अप्लाई करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए, आपको फ्री फायर ओपन नहीं करना है अभी, आपको एरोप्लेन मोड आपको लगाना है। लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डिवाइस को आपको रिबूट करना है, पावर ऑफ करके पावर ऑन करना है। इसके बाद आपको एरोप्लेन मोड है ना वो हटाना है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स ओपन कर लेना है। आपका प्रॉब्लम हो यहाँ पर 100% सॉल्व हो जाएगा इस सभी सेटिंग अप्लाई करने के बाद ओपन करते हैं ना। तो चलो गाइस, यहाँ पर हम ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको लॉग इन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा भी यहाँ पर लॉग इन है वो यहाँ पर नहीं हो रहा था, लेकिन गाइस यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो आपका भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना ताकि मेरा आने वाली वीडियो है ना वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलो अगले वीडियो मिलते, तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।